A very good morning, second class students. This is your EVS class and I am your teacher Tripta here. Students, open your EVS students book. This is your chapter number 7 and name of the chapter is our festivals. Today we are going to discuss about festivals. Festivals means time of celebration, खुशियों का time. वो टाइम जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नियर एंड डियर्स के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं. बेटा, ये जो हमारी बिजी बिजी लाइफ है, इसमें ये ऐसे खूबसूरत पल हैं जो एक मेमोरी बन जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि बिजी शेड्यूल में इतनी टेंशन होती है कि हम अपनों से थोड़े से दूर चले जाते हैं. लेकिन त्यौहार जो हैं वो एक रीज़न है, एक बहाना है कि हम अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें, और जो हमारा स्ट्रेस है वो तो कम हो ही जाता है, लेकिन स्वीट स्वीट मेमोरीज भी बनती हैं. इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स यही डिस्कस करने जा रहे हैं. लेकिन मेन मोटिव जो फेस्टिवल्स का है, दैट इज़ टू सेलिब्रेट, टू स्पेंड टाइम विद अवर नियर्स, अवर डियर्स, अवर रिलेटिव्स एंड विद अवर फ्रेंड्स. गट इट? द बिग आइडिया, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. यस, वी लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक्स टू लर्न, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल मीन्स धार्मिक त्यौहार, वो त्यौहार जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे रिलीजन से. रिलीजन मीन्स जिनके पीछे कोई ना कोई धार्मिक कारण है, धर्म से जुड़े हुए हैं, जिन्हें किसी एक खास कम्युनिटी के लोग स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं. फेस्टिवल है, फेस्टिवल को कोई भी सेलिब्रेट कर सकता है, लेकिन कुछ एक फेस्टिवल ऐसे हैं जो किसी खास रिलीजन से जुड़े हुए हैं, जिनके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ स्पेशली द रिलीजन, कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स. सेकेंड वन इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मीन्स